दोस्तों अभी ये मेरे बाल बना रही है और आप ये देख सकते हैं ये कोकिया बाल फ्रेंच चुटिया okay. इसने मेरी कैसी बना रखी है ये देखिए इसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं आया तो ये मेरे बालों पे कर रही है ये देखिए। तो दोस्तों अभी सरू कह रही है कि फिल्टर लगा नहीं तो मेरी शक्ल मत दिखा, तो मैं इसे कह रही हूँ कि अपनी नेचुरल ब्यूटी दिखा दूँ। दिल उड़ाल तब खिलाई दिल दाग नीचे जब दिल बाग गाना लगाया डाल। तो कैसे हो आप सब, मैं आपकी दोस्त नीलम बिष्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बड़े होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और अभी मैं थोड़ी देर पहले सरू के घर पर गई थी तो उसने मेरे बाल बाल सुलझाए, तो अभी उसने मेरी फ्रेंच चुटियाँ बनाई हैं। तो अभी वो कह रही है कि हम आंवले तोड़ने जाएंगे नीचे, तो सबसे पहले हम पहले छन्नी में जा रहे हैं और कपड़े थे कुछ तो मैं वो पंदेरे लेके जा रही हूँ और सुबह हम भी लेके आए थे तो वो भी छन्नी में लेके जाना है। तो उसके बाद हम छन्नी में घास वास देके और वहाँ से गोबर लेके खेत में जाएंगे और वहाँ से आंवले तोड़ के लाएंगे। तो सबसे पहले अब चलते हैं छन्नी में और मिलते हैं आपको अभी मलखल जाके। तो दोस्तों यहाँ पे ताई पायदान बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम छन्नी में पहुंच चुके हैं और ये गोबर है, अभी हम गोबर लेके जा रहे हैं। तो ये गोबर इकट्ठा कर रही है तो मैंने अभी घास दे दिया और शीतल गई अपनी छन्नी में गोबर लेने। तो अभी मैं कपड़े लेके आई थी तो कपड़े भिगाने भी जाना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले गोबर भर लेती हूँ उसके बाद कपड़े भिगाने जाऊँगी। और ऊपर से दादा पता नहीं क्या आवाज़ दे रहे हैं, क्यों आई बोल दे रही। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गोबर, वे क्या रही, अब हमने गोबर भर लिया है और सीधा घास वास लेके जा रही है जो गाय वाय ने खाया नहीं होगा तो वो वहाँ उसे जलाएगी। भाभी जी अभी तो कनी कनी लग रहे हैं, इन्हें खोज रहा लग रहा घाव तो दोस्तों अभी मैं अपने खेत से गोबर डाल के आ गई हूँ और ये ऊपर सरू शॉर्टकट रास्ते ढूंढ रही है और ये खेतों से फाल मार मार के आ रही है। तो अभी यहाँ कुछ लोगों ने अब मिर्च बोएंगे तो सारे लोग गोबर ऊबर डालने पे लगे हैं खेतों में, तो ये मिर्च जब बो देंगे उसके ऊपर से गोबर डालना है। तो ये गोबर पहले से इकट्ठा करके रखा है तो ये अपने लिए रास्ता बना रही है। अभी मंडल त्यौहार आन आन धक्त जरा एक सर एक भतड़ा हुआ अंदर बड़े अच्छा है ना। और शीतल नीचे उसने अपने खेत में आग जला दी है, तो अभी आंवले का पेड़ है उधर जहाँ आपको थोड़ी थोड़ी धूप दिखती होगी वहाँ है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। शीतल है कंडाली तोड़ते हुए। तो दोस्तों ये देखिए हम कंडाली ऐसे करके तोड़ते हैं, तो अभी ये देखिए डंडे के बीच में कंडाली को फंसा रखा है कि ताकि कंडाली हमें लगे ना, तो अभी बहुत ज्यादा जो कि इसे दो बार लग चुकी है। और दोस्तों नीलम को कंडली की झपाग लगते हुए। तो अभी हम आंवले के पेड़ के सामने पहुंच गए हैं और शीतल ने आंवला तोड़ने के लिए तैयारी कर दी है, वो गत्ती लगा रही है जैसे हम काफल तोड़ने के लिए लगाते हैं। तो शीतल पहले जाएगी, बाकी अगर हम नहीं जा पाएंगे तो वो पेड़ को हिलाएगी, उसके बाद हम नीचे से उठाएंगे। नीचे का झुम्पा तोड़ी के लिए किला ले झुम्पा तोड़ी की, अरे तो झुम्पा भोंटा नहीं तोड़ना, झुम्पा 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 है तो हैंग दानी होना दी और तो ये और ये सर हमें गलत नहीं मिनी कटर गलत आइडिया दे रही है कि सारे भोंटे भाट के तोड़ ताड़ के ले आओ। देखिए दोस्तों कितने सारे आंवले और के हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर दूर और के हैं तो तोड़ने में मुश्किल होगी इन्हें। ये देखिए मैं बांदर मार पड़ा ला, हमने एक बंदर पाल रखा है और ये जा
आराम से जाए। तो दोस्तों अभी हमने सारे आंवले तोड़ लिए हैं, सारे ये रहे आंवले, ये मेरे हैं। और अभी शीतल, शीतल अभी पेड़ से उतर रही है, तो वो कह रही है मुझे बताओ कि मैं पेड़ से उतर गई हूँ। तो आगे ये नीचे, और उसने हमें वहाँ से थोड़ी थोड़ी काफ़ी आंवले दिए, ये छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ के दी उसने हमें। तो सबसे ज़्यादा जो आंवले हैं वो सर ने तोड़ के रखे हैं। ये देखिए पक्षी है, ये तो छीदा। तो दोस्तों ये मैंने तोड़े हैं, जल्दी पक तोड़ी। सीधल अभी अपने पंजू को थोड़ा बड़ा कर रही है कि ज़्यादा ज़्यादा दिखे। तो सीधल के ये रहे, और सर के सर ने भी बांध नहीं रखे हैं। क्या एक कंडल से लिया, तो अभी हम कंडाली काटेंगे। तो सभी हम वहाँ से आके अब कंडाली काटने आ गए हैं। तो शीतल घर जा रही है, तो वो मेरे आंवले लेके भी जाएगी। अब तो चल गया महल वेली, अब तो चल गया महल। तो दोस्तों अभी खेत से आने के बाद हम पंदेरे आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कनूरा पानी, कनूरा पानी। तो दोस्तों अभी कपड़े धो लिए हैं, बस ये पानी से निकालने रह गए हैं। और सरू भी बोल लिया चल, और आज मैं अलग अलग चप्पल पहन के आ गई। बस तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10, और शीतल का एक प्लान है अभी हम सज लो। शीतल का नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं ना लोग। शीतल का एक प्लान है कि अभी हम सजलोर के घर पे जाएंगे, और आज बिंता कन्नी और सजलोर एक साथ सो रखे हैं, तो अभी उन्हें डराने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो डरते नहीं डरते, लेकिन कन के डरान जरा भूत भूता का कुछ डाउनलोड करी वाला। अभी उनको डराने का प्लान बन गया है, तो अभी हमने अपने फोन में आवाज रिकॉर्ड करी है, सीधा सुना, वो अभी हम आपको सुनाते हैं। ये तो अभी के लिए काफी है, बाकी वहां जाके दिखाते हैं क्या है। जा रही हूँ ऐसा होलिया बना के, अब शीतल देखते हैं शीतल कौन सा होलिया बन के जाती है। देखिए कितना अंधेरा हो रखा है, और शीतल ने फ्लैश ऑन कर रखी है, और ये सानू और को खड़ा हो गया है। दोस्तों अभी हम सजलोर के घर से आ गए हैं, और ये शीतल पीछे से लेट गई है, तो अभी मैं भी अपने घर जाती हूँ, क्योंकि अभी जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ वो डरे नहीं, मतलब वो सो गए थे, और मुझे लगा उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तो हम वहाँ उनके दो कमरे हैं, तो हम ऊपर वाले में कोई और सो रखा था, तो हम बार बार वहाँ पर कट 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 करने पर लगे, और दरवाज़ा खुला तो वो पता नहीं कौन ही था वहाँ। तो उसके बाद हम थोड़ी देर दूसरे वाले कमरे के दरवाजे पर गए, तो वो सो गए थे, तो इसलिए शीतल ने बोला चल और आगे से आ गई, फिर मैं भी आ गई। तो अभी हम शीतल के घर पे पहुंच गए हैं, तो आज के ब्लॉग को ये पेंट करता है, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।